शहर के टंडवा स्थित अपने आवास पर समाजसेवी सह विश्रामपुर मजियाव विधानसभा क्षेत्र की भावी प्रत्याशी रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे ने अपने क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ बैठक की। बैठक में झारखंड विकास पार्टी का गठन किया गया, जिसमें रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समाजसेवी विकास दुबे सहित अन्य लोगों ने सामूहिक रूप से दीप जलाकर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रजनीश रंजन दुबे उर्फ विकास दुबे ने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस और भाजपा के वर्तमान विधायक द्वारा ग्रामीणों को ठगने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में अराजकता का माहौल है, सभी क्षेत्रों में व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, वहाँ के जनप्रतिनिधि सिर्फ अपना विकास किए हैं, वहाँ की जनता बदहाल है, सड़क जर्जर है, अस्पताल की स्थिति काफी बदहाल है, क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वहां की जनता आज भी ठगा हुआ महसूस करते हैं। आने वाले दिनों में झारखंड विकास पार्टी के एक कार्यकर्ता व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को बुलंद करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। जो लोग चारागाह समझते हैं, वो लोग ये भूल गए कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। आने वाले समय में एक एक जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि आप साथ दीजिए, हम विकास देंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों के लिए हम 24 घंटे खड़े हैं, हमारी कभी भी जरूरत पड़े आप तुरंत हमें याद करें, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पूरी तरह से त्रस्त है, एक तरफ नीलगाय की चोट है तो दूसरी तरफ सोन से आने वाली बाढ़ में किसानों की कमर पूरी तरह से तोड़ दी है, लेकिन वहां के जनप्रतिनिधि कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपना विकास करने में लगे हुए हैं। पांडू कांडी उटारी रोड मजियाओ बडीहा आदि किसी भी जगह पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। कई बार नहर निर्माण की योजना तो आई, लेकिन वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज तक विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आपको ये तय करना है कि वहां के विकास कैसे हो, इसके लिए आप सही आदमी को चुने। मौके पर शंकर दुबे, शौकत अंसारी, विजयराम, हैदर खान, इमरान खान, चुन्नू दुबे, वाहिद अंसारी, प्रणव कुमार, अजय बेटा, अरविंद दुबे, विपुल धर दुबे, रुपेश पांडे, अरुण दुबे, पंकज दुबे, बसंत दुबे, प्रिंस सिंह, पिंटू गुप्ता, राजेंद्र तिवारी, कृष्णा राम सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज पार्टी का गठन विश्रामपुर विधानसभा में लोगों के सुझाव और मार्गदर्शन में सभी लोगों की उपस्थिति में किया गया है, और हम लोग का लक्ष्य है कि विश्रामपुर विधानसभा जिस अव्यवस्था के साथ गुजर रहा है, इसको दूर करके आम आदमी के जीवन में बदलाव हो, उनके हक अधिकारों को उन तक पहुंचाया जाए। विश्रामपुर विधानसभा जो भ्रष्टाचार, जो कुव्यवस्था के लिए जाना जा रहा है, इसको हम लोग बेहतर करके वहाँ के जनता के जीवन में सुख समृद्धि लाए, इसी उद्देश्य के साथ पार्टी का गठन किया गया। पार्टी का उद्देश्य आम आदमी के जीवन में बदलाव लाना है। आम आदमी जो सरकार द्वारा योजनाएं संचालित हो रहा है, छोटा से बड़ा योजना, सभी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि निरंकुश और जनता से दूर हो गए हैं, सिर्फ घर में बैठ के अपना विकास कर रहे हैं। पेट्रोल पंप लगातार खुल रहा है, स्कूल लगातार खुल रहा है, हॉस्पिटल खुल रहा है, राजनीति का व्यवसायीकरण करके और लगातार जनता का दोहन किया जा रहा है। उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए विश्रामपुर विधानसभा के समस्त जनता एक आस और उम्मीद के साथ हम लोग तरफ देख रहा है, और उन्हीं के आशीर्वाद और उन्हीं के कहने से हम लोग अपने पार्टी का निर्माण किए हैं, और विश्रामपुर विधानसभा के जनता के जीवन में बदलाव होगा, इसके साथ पूरा समर्पण के साथ हम लोग काम करेंगे। आपके शहर गढ़वा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके बजट में आपके शहर में श्रीहरि इलेक्ट्रॉनिक्स में मिल जाएगी, वो भी ऑफर के साथ। इनके यहाँ सामान की क्वालिटी और सर्विसेज दोनों अच्छी हैं। यहाँ ब्रांडेड कंपनी